दोस्तों, मेरा नाम है रश्मि नेगी और रश्मि नेगी ब्लॉग में आपका स्वागत है। होप करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज हम आ रहे थे अपने जेठानी जी और के घर में, क्योंकि हमने धोने थे गेहूँ और हमने सोचा कि यूँ ना चक्की से पिसाएँ गेहूँ, तो इसलिए मैं और मम्मी और पापा जी आ रहे थे यहाँ और दीदी ने काफ़ी मदद की गेहूँ धोने में। तो अभी हमने छत में रखे हुए हैं सुखाने के लिए, तो देखते हैं धूप कब तक होती है। तो दोस्तों ये देखिए गेहूँ और यहाँ पे रख रहे हैं दीदी और सुखाने के लिए, तो मैं भी फैलाती हूँ। सुना नहीं है आप लोगों ने, बस साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो मैं ढोलक बजा रही हूँ, वैसे तो मुझे काफी अच्छा आता है ढोलक बजाना, तो कोशिश करती हूँ। थोड़ा धूप में रखा हुआ है ताकि अच्छे से इसका तालमेल बने, तो इसीलिए धूप में रखा है। और यह है चिमटा, इसको अच्छे से बजाते हैं। तो ढोलक बजाना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी दोस्तों मैं ढोलक बजा रही थी ना, तो नीचे से सबके सब आ गए यहाँ पर, उन्होंने कहा कि कीर्तन कहाँ हो रहे हैं तो दीदी भी बजा रहे हैं, तो ऐसे ही होता है, उन्होंने कहा कि छत में कौन बजा रहा है ढोलक, तो उनको ये पता नहीं था कि मैं जा रही क्यों छत में। अतः सब आ गए, दीदी भी आ गई और ये भी आ गए, मैं भतीजा, ये मैं भतीजा है ना, क्या बोलेगा तू मुझे। तो अब बना रहे हम चावल, देखिए बारीक चावल है, बारीक चावल। दीदी बजा रही है यहाँ पे शंख, तो दीदी बजाने का कष्ट कर रहे, तो प्रैक्टिस कर रहे हैं शंख बजाने का। इनका रोक दिया पुम 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 ना, फोन च भी जम दीदी तभी फर्स्ट टाइम बजाने ना। हेलो दोस्तों, तो आज हमने मंगाए हैं मीशो ऐप से कुर्तियां, एक साथ सिक्स कुर्तियां, सोचा क्यों ना वहां से शॉपिंग करें। तो मुझे काफी पसंद आई सिक्स कुर्तियां, क्योंकि उनका कलर काफी डिफरेंट है और मुझे काफी अच्छे प्राइस में सिक्स कुर्तियां मिल गई है। अगर आप लोगों को भी मीशो ऐप से शॉपिंग करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप अनेक प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं मीशो ऐप से, वो भी सस्ते प्राइस में। थैंक यू झील, thank you.
चलिए दोस्तों, आज आपको ले जाते हैं उत्तराखंड। जी हाँ, मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के सबसे सुंदर जनपदों में से एक जनपद है टिहरी गढ़वाल। यहाँ आप चंबा, बूढ़ा, केदार मंदिर, केम्पट्टी, देवप्रयाग आदि स्थानों में घूम सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती काफी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। आपको बताते चलें कि हाल ही में टिहरी गढ़वाल को नई टिहरी शहर को देश के सबसे विकसित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है, जिसका उपयोग सिंचाई तथा बिजली पैदा करने हेतु किया जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, तो जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। बंद करते कभी करेंगे, बंद करते। इसमें तो रही वीडियो वो ये क्या है? हाँ फिर वो नहीं है, अभी पहले इसके खींच।